जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं देवेश। दोस्तों, अभी कुछ दिनों पहले हमने चर्चा की है कि एक तरफ इंफोसिस ने रूस से अलविदा कह दिया तो दूसरी तरफ टाटा ने रूस से टाटा बाय बाय कर दिया। लेकिन इसी दौरान एक हिम्मत वाली कंपनी के रूप में उभरी है रिलायंस। रिलायंस पहले जो है रूस से कच्चा तेल खरीदने से बचती थी। कारण यह था कि रूस से कच्चा तेल मंगाने पर माल भाड़ा बहुत ज्यादा लगता था तो रिलायंस को उसमें लाभ नहीं होता था, इसलिए वह रूस से कच्चा तेल नहीं खरीदती थी। लेकिन अभी चूंकि रूस यूक्रेन के बीच चल रहा है युद्ध, उस दौरान रूस दे रहा है भारत को भयंकर डिस्काउंट। इस भारी भरकम डिस्काउंट का लाभ उठाने के लिए रिलायंस ने दे दिया है रूस को एक बहुत बड़ा ऑर्डर। रिलायंस खरीदने जा रही है 15 मिलियन बैरल कच्चा तेल रूस से। पहले केवल सरकारी कंपनियां रूस से कच्चा तेल खरीद रही थी और रिलायंस ने आधिकारिक रूप से कहा भी था कि हम रूस से कच्चा तेल नहीं खरीदेंगे। लेकिन जैसे ही व्यापारिक अवसर दिखा, रिलायंस ने तुरंत अपना रुख बदल लिया और रूस से कच्चा तेल बड़ी मात्रा में खरीदना चालू कर दिया। क्योंकि रिलायंस के पास दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है और रिलायंस ने भी रूस से बड़े पैमाने पर कच्चा तेल खरीदना चालू कर दिया है। परिणाम क्या हुआ है कि रूस यूक्रेन युद्ध के 2 महीनों के दौरान भारत ने रूस से जितना कच्चा तेल खरीदा है वह पिछले पूरे साल में खरीदे गए कच्चे तेल की मात्रा से जस्ट डबल है। वो भी तब जबकि कुछ दिनों पहले अमेरिका ने साफ साफ कहा था कि वह नहीं देखना चाहता कि भारत रूस से कच्चे तेल की खरीद बढ़ाए। अमेरिका धमकियां देता रहा, फिर भी भारत ने रूस से कच्चे तेल की खरीद बढ़ा के दिखाया है और अब तो भारतीय प्राइवेट कंपनियां भी मैदान में आ गई हैं। इसलिए दोस्तों, हम सभी ने तब चर्चा करी थी कि रूस में किस कंपनी ने कारोबार बढ़ाना है और किसने अपना कारोबार समेटना है। यह निर्णय व्यक्तिगत रूप से हर कंपनी को लेना है। जिस कंपनी को रूस में लाभ दिखता है वह अपना कारोबार बढ़ाए, जिसको नुकसान होता हुआ समझ में आता है वह रूस में अपनी दुकान पर ताला डाल दे। हर कंपनी अपना व्यापारिक निर्णय लेने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। हर भारतीय कंपनी का उद्देश्य है एकमात्र कि भारत मजबूत बने। भारत मजबूत तभी होगा जब हमारी कंपनियां मजबूत होंगी। इसलिए जो टाटा ने, जो इंफोसिस ने और जो रिलायंस ने किया, सबने सही किया। हर कंपनी अपनी जगह पर सही है। रही बात प्रॉफिट और लॉस की, किस कंपनी का निर्णय सही था, किसका गलत, उसका निर्णय आगे आने वाला समय करेगा। लेकिन अभी हम रिलायंस को धन्यवाद देते हैं कि उसने हिम्मत दिखाते हुए अपना निर्णय पलटकर रूस से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल खरीदा है। इसी बीच दोस्तों, एक अच्छी खबर आ रही है चीन से। चीन में चूंकि कोरोना के कारण भयंकर लॉकडाउन लगा हुआ है, इसलिए फिर से यह चिंता जाहिर की जाने लगी है कि दुनिया में कच्चे तेल की डिमांड कम होगी। सप्लाई के सामने डिमांड कमजोर होने के कारण कच्चे तेल के भाव में भी गिरावट आई है, करीब 5% की। अगर इसी तरह से कच्चे तेल के दाम में गिरावट आई तो इससे पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई कीमतों के फ्रंट पर हमें कुछ दिनों बाद राहत भरी खबर मिलने की संभावना बढ़ गई है। अब दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो आया है पसंद तो लगे हाथों हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय श्री राम।